नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरगटिया करनपट्टी निवासी आकाश गिरी अपने पिता साधु गिरी के लिए दवाई लेने भमनौली बाजार जा रहा था, तभी ही वहां थाने के सामने पहुंचा ही था। थाने में से एक प्राइवेट गाड़ी तेजी से निकली और आकाश गिरी की आती हुई पल्सर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिस कारण वह जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी चिकित्सालय भेजा, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वहां से भी गोरखपुर मेडिकल रेफर कर दिया गया, लेकिन ज्यादा चोट लगने के कारण रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उचित कार्रवाई ना होने के कारण मृतक परिवार वाले ने आकाश की लाश को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। देखते ही देखते प्रशासन मौके पर आकर भीड़ को हटाया और परिवार वालों को उचित कार्रवाई होने का आश्वासन दिया और लाश को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि जिस गाड़ी से ठोकर लगी वे गाड़ी थाना की एक उपनिरीक्षक की है और उसमें खुद थाना अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी गाड़ी चला रहे थे, जिसमें दो सिपाही भी बैठे थे। थाना अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी से पूछने पर बताया गया कि अज्ञात गाड़ी को ठोकर लगने से आकाश की मृत्यु हुई है, जबकि गाड़ी ठोकर लगने के कारण गाड़ी का आगे का बम्पर भी वहीं टूटा हुआ मिला, जिस पर गाड़ी का नंबर भी अंकित था, जिसे पुलिस ने अनदेखा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।